कर दिया गया है। क्या कहा कहा गया है उनको कमरा में? और जो हम लोग के सर थे तो वो बोले ना कि कमरा में तुम उनको लॉकअप पे डाल के। तुम लोग अभी बाहर पानी चढ़ा रहे हो, अंदर बेड नहीं है? नहीं, अंदर बेड नहीं है। गढ़वा में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ये यात्री बस की डिक्की से अजगर निकल आया। दरअसल बनारस से गढ़वा आई थी सौरभ बस यात्रियों के सामान के साथ निकला, अचानक से एक अजगर भी निकल आया जिसे लोग सकते में आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग सकते में आ गए हैं। इसी बस में से अजगर निकला है और ये बस यूपी से आ रही थी जिस बस में अजगर निकला है। गिरिडीह में वाहन जांच के दौरान मवेशी से लदा एक वाहन को जब्त किया गया जिसमें लगभग 3 दर्जन मवेशी लदे थे। मवेशी लदा वाहन बिहार के नालंदा से बोकारो जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। मामला जमुआ पंचवा पंथ स्थित घोरंजो की है। फिलहाल जब्त मवेशियों को मिर्जागंज खरगडीहा गौशाला में रखा गया है। वही SI चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जब्त मवेशी किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था इस बात की जांच की जा रही है। मवेशियों के व्यापारी कागजात होने की बात कर रहे हैं, लिहाजा सभी पहलू पर गहन जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब तो बाढ़ से लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। बाढ़ से प्रभावित लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हो गए हैं। जहां बाढ़ से जान जाए ना जाए, लेकिन गाड़ियों की चपेट में आ जाने से प्राण जरूर निकल जाएगी।